ना चीनी ना गुड़ ना कोई मेहनत ना कोई फालतू खर्चा गर्मियों का सबसे ठंडा ठंडा कूल कूल हेल्दी टेस्टी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसको हम बनाएंगे सिर्फ मिनट में। जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है जिसको सिर्फ आपको एक बार बनाना है आप इसे पूरे छह सात महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब दिल चाहे निकालिए एक मिनट में आपका ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग तरोताजा करने वाला ड्रिंक है तैयार फ्रेशिंग इंस्टेंट एनर्जी देने वाला और एकदम सस्ते में तैयार होने वाला नींबू पुदीने का जबरदस्त शरबत जिसको आप मिंट लेमोनेड भी बोल सकते हैं या फिर पुदीना नींबू पानी भी बोल सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक एकदम हेल्दी और टेस्टी वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को बुधवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी समर स्पेशल ठंडा ठंडा ड्रिंक बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी पुदीना हरा भरा फ्रेश पुदीना मैंने लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो ज्यादा कोई खर्चा है ना चीनी गुड़ का इस्तेमाल करना है सिंपल दो से तीन चीजों से हम खूब सारा जबरदस्त वाला टेस्टी रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार कर सकते हैं पुदीना गुड़ो की खान होता है और गर्मियों में बहुत फायदा करता है तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने घर की एक बड़े साइज की कटोरी सेट की है एक कटोरी भरकर मैंने लिया है पोदीना बढ़िया से धो लिया धो करके जो मोटे मोटे टंटल थे वो आप सब हटा दें हमें सिर्फ इसको बनाने के लिए पत्ती का ही इस्तेमाल करना है तो नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए हमें सिर्फ पुदीने की पत्ती का ही इस्तेमाल करना है बढ़िया से धो लीजिए और इस तरह से तैयार कर लेंगे तो ये एक कटोरी था भरकर मैंने लिया है पुदीना आप मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार करें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम अपनी सारी पुदीने की पत्ती जो भी हमने तैयार की है वो सब इसमें डाल देंगे साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ दो से तीन आइस क्यूब आइस क्यूब से जो पुदीने का रंग है वो बिल्कुल हरा भरा ग्रीन बना रहेगा इसका कलर चेंज नहीं होगा आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसको बढ़िया से पीस कर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने पुदीने को पीस लिया है और देखिए एकदम प्रॉपर पुदीने का ग्रीन कलर है परफेक्ट और आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया और प्रॉपर ग्रीन कलर मेंटेन है क्योंकि हमने आइस क्यूब्स डाले थे तो चलिए इसको रखते हैं अभी अलग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप तो आज ये नींबू पुदीना शरबत को बनाने के लिए मैं किसी चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही मैं यहाँ ले रही हूँ मिश्री जिसको हम रॉ शुगर भी बोलते हैं मिश्री गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है और ये फायदा करती है आप चाहे तो इस रेसिपी को चीनी से भी बना सकते हैं गुड़ से भी बनाया जा सकता है पर फिर वो टेस्ट और कलर दोनों चेंज हो जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप चीनी या मिश्री ले। मिश्री आपको किसी भी सुपर स्टोर पर इजीली मिल जाएगी इस तरह के ना इसके पीसेज आते हैं जिसको आप क्रशर से या से या बेलन तोड़कर छोटे छोटे में कर सकते हैं तो यहाँ पर एक कटोरी पुदीने के लिए मैं दो कटोरी के करीब मिश्री ले रही हूँ तो अगर आप एक कटोरी पुदीना लिया है और चीनी लेने वाले तो दो कटोरी चीनी लें या थोड़ी उससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं मैंने कोशिश की है कि इस ड्रिंक को पूरी तरह से हेल्दी, सस्ते में आसानी से घर के कुछ ही सामान से तैयार कर ले अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारी तैयार मिश्री तो यहाँ मिश्री को मैंने क्रशर से छोटे छोड़ छोटे पीसेस में तोड़ लिया है जिससे ये इजीली मेल्ट हो जाए तो अगर आप चीनी ले रहे हैं तो चीनी डालें ये हो गई हमारी दो कटोरी मिश्री और उसी कटोरी से डालेंगे एक कटोरी पानी मीडियम हाई फ्लेम पर बढ़िया से इस तरह चलाते हुए पूरी मिश्री को घोल लेंगे ऐसा कोई आपको इसमें चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है तो इसको कोई भी इजीली तैयार कर सकता है और गर्मियों में लू लगने से बचाता है तो बहुत ही फायदेमंद है एक बार बना लीजिए बस उसके बाद कहीं से भी ऑफिस से थके हुए आए फटाफट से कॉन्सेंट्रेट तैयार है गिलास में डालिए पानी मिलाइए और आपका ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग शरबत है बिल्कुल तैयार साथ ही मैं आपको इसमें तीन चीजें और भी बता दूंगी कि कैसे आप इसे मिंट लेमोनेट बना सकते हैं आइस लॉलीज भी बना सकते हैं पुदीने वाली बहुत काम की रेसिपी है पूरी गर्मी आपको बहुत काम आएगी तो जब तक हमारी मिश्री घुल रही है देखते हैं नेक्स्ट स्टेप अब हम बना रहे हैं नींबू पुदीना शरबत तो यहाँ पर मैंने लगभग लिए हैं सात से आठ नींबू तो लगभग सात आठ नींबू का पूरा रस निकाल लेंगे तो लगभग आधे कप के करीब हमें नींबू का रस मिल जाएगा तो जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसमें आधे कप के करीब नींबू का रस परफेक्ट रहेगा और ये लीजिए मैंने इस तरह से आधा कटोरी नींबू का रस निकाल लिया है लेकिन अभी इसका यूज नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल बिल्कुल बाद में करेंगे तो चलिए चेक कर लेते हैं शुगर सिरप को और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिश्री पूरी घुल गई है बस हमें यहाँ पर ऐसा सिरप बनाना है कि थोड़ा स्टिकी सा हो जाए यानी उंगली पर लगाएं तो चिपका चिपका लगे तेल तेल सा लगे पूरी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है मतलब ऐसे समझिए लगभग आधा तार आए और बहुत ही बढ़िया सी हमारी आधे तार वाली चाशनी है तैयार तो यह हमें कैसे पता चलेगा बस आप थोड़ा सा इस तरह से लेकर देखिए उंगलियों के बीच में या आपको ना तेल तेल जैसा लगेगा और जब आप इस तरह चेक करेंगे तो देखिए कोई तार नहीं है हल्का चिपचिपापन है आधा तार समझ लीजिए इस तरीके का हमें इस सिरप को तैयार करना है इससे ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाएंगे और फ्लेम को लो करके इस स्टेज पर हम डाल देंगे सारा पुदीने वाला मिक्स जो भी हमने पीस कर तैयार किया था और हाई फ्लेम पर बढ़िया से लगातार चलाते हुए हम पुदीने के पूरे रस को अच्छे से सिरप के साथ मिक्स करेंगे और पकाएंगे की थोड़ा गाढ़ेपन पर आ जाए जैसे बाजार के जो शरबत वगैरह की बोतल होती है उनका उनकी जो थिकनेस होती है ऐसा हमें इसको गाढ़ा करना है तो फ्लेम को आप कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर बढ़िया से फटाफट इसको पका लेंगे तो चलिए जब तक हमारा नींबू पुदीना शरबत का कॉन्सेंट्रेट तैयार हो रहा है फटाफट बनाते हैं बेहतरीन नींबू पुदीना मसाला शरबत का स्पेशल मसाला जिससे आएगा हमारे शरबत में बिल्कुल बाजार वाला स्वाद तो उसके लिए हम लेंगे एक छोटा बोल और इसमें मैं ले रही हूँ एक छोटी चम्मच काला नमक साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच सफेद वाला नमक ये सीक्रेट मसाला हमारे नींबू पुदीना के शरबत में जान डाल देगा और साथ ही जाएगा इसमें एक छोटी चम्मच चाट मसाला यदि चाट मसाला ना हो ना तो आप इसकी जगह पर जैसे जलजीरा पाउडर वगैरह मार्केट में मिलता है ना वो भी यूज कर सकते हैं आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर एक चौथाई से थोड़ी कमी है ज्यादा जरूरत नहीं है बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स ये मसाला मतलब शरबत में आप समझिए मतलब सौ गुना ज्यादा स्वाद बढ़ा देगा इतना जबरदस्त लगता है और यही जो मसाला है ना इसका फ्लेवर बिल्कुल आपको जैसे बाजार के जो जलजीरा पाउडर या पानी पूरी पाउडर मिलते हैं ना वैसा वाला इसमें टेस्ट आएगा तो चलिए ये मसाला तो हो गया हमारा रेडी इसे रखते हैं अभी अलग चेक करते हैं अपने सिरप को और ये देखिए बेहतरीन आप देख सकते हैं जो पहले ऊपर झाग वो झाक झाकते हो गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है है ना वो हो रहा है. और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कलर मैं आपको दूसरे चम्मच से दिखाती हूँ ये देखिए ना कोई मैंने फूड कलर डाला है कुछ भी यूज नहीं किया ओरिजिनल पुदीने का इतना बढ़िया कलर आया है क्योंकि जो आइस क्यूब वगैरह डालकर हमने बनाया जो रेशो हमने लिया एकदम परफेक्ट और आप देख सकते हैं परफेक्ट चेंज बहुत ही बेहतरीन हमारा नींबू पुदीना शरबत का सिरप यानी कॉन्सेंट्रेट है बिल्कुल तैयार इससे ज्यादा इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा कितना सुंदर दिख रहा है पूरा किचन महक रहा है, है पुदीने की खुशबू से तो बस इस स्टेज पर हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी दिख रही है और अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे पूरी तरह से इसको पहले ठंडा होने देंगे और ये लीजिए कॉन्सेंट्रेट हो गया है हमारा बिल्कुल बढ़िया से ठंडा इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया इस तरह के ट्रांसपेरेंट बोल में जिससे मैं आपको ना इसकी कलर कंसिस्टेंसी दिखा तो सबसे पहले जाएगा हमारा तैयार सीक्रेट वाला मजेदार मसाला साथ में डाल देंगे आधा कटोरी नींबू का रस परफेक्ट अच्छे से कर देंगे सभी चीजों को मिक्स तो बस एक छलनी लगाकर इस तरह से इसको बढ़िया से लेंगे। जो भी थोड़े बहुत मोटे मोटे पीसेस होंगे वो अलग हट जाएंगे बस अब आप एक लीजिए इस तरह से कांच की बोतल या कोई भी कांच का कंटेनर या जार ले लीजिए और इसे इस तरह भर करके रख लीजिए नींबू पुदीना मसालेदार शरबत का कॉन्सेंट्रेट है बिल्कुल तैयार अब चाहे एक गिलास हो या पचास गिलास हो एक मिनट में बनेगा आपका ये नींबू पुदीने वाला शरबत चलिए अब मैं आपको फटाफट बनाकर दिखाती हूँ से आपको नींबू पुदीने वाला शरबत कैसे बनाना है और मैं आपको तीन वर्जन दिखाती हूँ इस तरह से आइस क्यूब्स और ग्लासेस में डालेंगे इस तरह से दो से तीन टेबल स्पून हमारा तैयार नींबू पुदीना शरबत का कॉन्सेंट्रेट तो पहले गिलास में मैं डाल रही हूँ पानी और करेंगे बस अच्छे से चम्मच से मिक्स लीजिए सेकंड्स में आपका नींबू पुदीना मसालेदार शरबत है बिल्कुल तैयार इसी तरह से चिड़ पानी इसमें भी डालेंगे और बस इस पर जाएगी इस तरह से लेमन की एक वेजेस यानी वेलाइसेज और बस इस तरह पुदीने से इसको सजाएंगे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं दूसरी वराइटीज में अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक ऐसी चीज जो इस शरबत को सौ गुना और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बना देगी और वो है सब्जा सीड और दूसरे ग्लास में मैं डाल रही हूं बूंदी शादियों में मिलता है ना वो जलजीरे वाला ग्लास तो जब आप इस शरबत में ये बूंदी डालेंगे और ऊपर से डाल देंगे जलजीरा पाउडर या फिर पानी पूरी वाला जो मसाला है या चाट मसाला थोड़ा सा इस तरह डाल दीजिए फिर आप इसे पी के देखिए मजा आ जाएगा मेहमान आपसे पूछ के जाएंगे इसकी रेसिपी कि ये आपने कैसे बनाया नॉन स्टॉप वाली चीज है जरूर ट्राई कीजिएगा और तीसरे वर्जन में आप इसमें डालिए सोडा और अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आप जबरदस्त वाली कुल्फी यानी आइस लॉली कैसे बनाएंगे मिंट वाली जो घर के बच्चे आपसे रोज बनवाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको चार से पांच घंटे बाद और ये देखिए हमारी जबरदस्त वाली नींबू पुदीना पॉप्सिकल है बिल्कुल तैयार जिसको आप चुस्या ले लेकर खाएंगे तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे ठंडे ठंडे रिफ्रेशिंग जबरदस्त टेस्टी हेल्दी और शरीर को तरोताजा कर देने वाले नींबू पुदीना मसालेदार शरबत देख के ही मन खुश हो गया ना पी के तो सच में मजा आ जाएगा टेस्ट का इसका कोई मुकाबला नहीं है बाजार की प्रिजर्वेटिव वाली ड्रिंक से सीरियसली आप जरूर ट्राई कीजिएगा सस्ती है है बहुत हेल्दी है। घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आएगी तो ये सिरप है ना काम की चीज पक्के से बनाइए मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये समर स्पेशल नींबू पुदीना मसाला शरबत की बेहतरीन रेसिपी उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल जय हिंद जय भारत